आज राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा भाजपा श्रीमती दीप्ति रावत भारद्वाज ने पूंछ में भाजपा उम्मीदवार श्री अब्दुल गनी के समर्थन में प्रदर्शन किया। अमरजीत सिंह पूंछ के। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, जहाँ पूंछ का विधायक कैसा हो, यहाँ पर उपस्थित था पुंछ के शहर में, मैं कहूँगी कि मैं पहली बार आई हूँ, तो आप सबको नमस्कार करती हूँ। और मंच पर उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष राधेश जी यहाँ हैं, हमारी जो हमारे जो कैंडिडेट हैं चौधरी अब्दुल गनी जी, वो हमारे समक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। और हमारी प्रेरणा डोगरा जी की पुत्रवधू तो वो है ही, लेकिन पूरे कश्मीर में और जम्मू में घूमने वाली, प्रवास करने वाली महिला मोर्चा की दूसरी बार हमारी प्रदेश की अध्यक्ष संजीता डोगरा जी हमारे साथ जम्मू से आई हैं। हमारी महिला मोर्चा की दोनों महामंत्री यहाँ उपस्थित हैं, नेहा महाजन जी और रीमा जी यहाँ पर हैं। हमारी कुछ प्रवासी बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं, अभी हमारी जिला अध्यक्ष और सलमा जी भी यहाँ थी जो प्रभारी हैं, और वकील साहब ने तो अब सबसे पहले ही अपनी बात रखी। यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो संचालन कर रहे हैं, आप सभी वरिष्ठ लोग सबको नमस्कार, सारे भाई बहनों को सबको नमस्कार। अधिक बातें आप जानते हैं, आप बहुत समझदार हैं, सभी लोग सब पढ़ते हैं, अखबार देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। तो आज जो राजनीति है, जो मोदी जी ने राजनीति को बदला है 2014 के बाद, वो राजनीति में ये बदलाव किया है कि पहले जो राजनीति होती थी देश के आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद, वो कहीं मजहब में बांटने की राजनीति थी, कहीं क्षेत्र में बांटने की राजनीति थी कि कौन प्लेन का है, कौन पहाड़ का है, कौन खाती का है, कौन कहीं का है, अपने अपने रीजन में क्षेत्र में बांटना, किसी को समाज में बांटना, किसी को जाति में बांटना, किसी को मजहब में बांटना। और आज भी जो हमारा ऑपोजिशन है वो यही कर रहा है, उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। इतने साल जब उन्होंने यहाँ पे राज किया है, तो वो अपने डेवलपमेंट के मुद्दे आपके सामने रख सकते थे, वो कह सकते थे हमने ये किया जम्मू कश्मीर के लिए, कुछ बड़ी योजना लेके आए, पूंछ के लिए कुछ बड़ी योजना अगर उन्होंने की तो आपके सामने वो रखते। लेकिन आज उनके पास अपना कोई विकास काम, अपना कोई डेवलपमेंट, अपनी कोई बेहतर चीज बताने के लिए नहीं है, वो केवल फिर से उसी राजनीति पर है जो वो पिछले 75 साल से करते आए हैं, इस देश को बांटने की राजनीति। कल की जो हमारी प्रेजिडेंट हैं डोगरा साहब, क्या नाम, संजीता डोगरा साहब, और बाकी उनके साथ जितने भी जम्मू से या हमारी या डिस्ट्रिक्ट से महिला बन की हैं और सबको मेरी तरफ से, हमारे प्रभारी सरदार गुरदीप सिंह जी जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं लाला मंगेर जी, सिद्धार्थ पांडे साहब और जितने भी यहाँ मेरे साथी आए हुए हैं, हमारे जो सी ओ साहब रिटायर सी ओ साहब हैं सदर्शन कुमार जी, एयर मार्शल गुलाम अहमद जी और जितने बाकी साथी हैं सबको मेरी तरफ से आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, आज हमने इन्हीं को सुनना है। मेरी आप भाइयों से अपील है, जिस तरह आप 20 दिन से लगातार लगे हुए हैं, रात नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप इसको अभी 5-6 दिन जो हमारे बच गए हैं, 6 दिन हमने इसको और पुराना स्पीड को, और अल्लाह के फजल करम से वो सीट इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और एक वो था महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हिंदुस्तान के तिरंगे को कोई हाथ थामने वाला नहीं बचेगा, और हमने देखा कि तमाम जम्मू कश्मीर के हर घर पर तिरंगा लगाया था। आज जिस बीजेपी के खिलाफ ये लोग बातें कर रहे हैं, आज ये कमर का फूल बॉर्डर से लेकर शहर तक हर घर में इस वक्त ये लहरा रहा है, और इसका अगर किसी को सेवा जाता है हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री को जाता है। जी मैम, जो आज पूंछ का रिजल्ट था इसके बारे में आपको। जी, पुंछ में चुनाव लड़ रहे हैं चौधरी अब्दुल गनी साहब,
और इस बार भारतीय जनता पार्टी केवल डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये जनता भी समझती है कि कैसे यूटी बनने के बाद यहाँ कितनी तेज़ गति से विकास हुआ है और पहले कैसे जो दूसरी पार्टीज हैं, चाहे वो एनसी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे पीडीपी है, वो कछुए की चाल से इस प्रदेश का विकास कर रही थी और केवल विकास नहीं, इस प्रदेश को मैं कहूँगी पीछे धकेलने की कोशिश थी उनकी, चाहे वो अलगाववाद को बढ़ावा देना हो या कुछ भी, यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश उन्होंने बहुत की है, जातिवाद में और मैं कहूँगी कि धर्म में और बहुत सारी क्षेत्रवाद में, कई चीज़ों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक मैं कहूँगी उदाहरण है। ये सभा जो आज हुई वो भी एक एग्जाम्पल है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सबका एक कैसे सबको साथ लेकर हम चल सकते हैं, सबको साथ लेकर हम एक विकास के लिए, एक पॉजिटिव सोच के लिए, अपने देश के लिए हम काम कर सकते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ है और अब्दुल गनी जी जीत कर आए। कैसा रुझान मिल रहा है खास करके महिलाओं को? महिलाएं बहुत खुश हैं, महिलाओं को आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको कभी नहीं मिली। अब हमने उनसे पूछा, उनका कभी बैंक अकाउंट खाते नहीं थे किसी के पास, आज उनके पास बैंक के अकाउंट हैं, उनके पास आज उनकी घर की छत जो थी वो चूती थी, उसमें पानी आता था, जैसे ही बादल कहते हैं बारिश होती थी तो हमें लगता था हमारे घर का बादल फट गया, लेकिन ऐसा नहीं है, आज उनकी घर की छत जो है वो पक्की है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर मिले हैं, उनको स्वावलंबी बनाया है, उनको मुद्रा लोन मिले हैं, स्वयं सहायता समूह से हमारी बहनें जुड़ी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो मोदी जी को बिल्कुल प्रणाम करती हैं और बहुत धन्यवाद करती हैं कि कैसे उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी हमारी बहनों को कहा गया है। लास्ट टाइम आम जनता को आप क्या मैसेज देंगे पुंछ की आवाम को? देखिए पुंछ की आवाम को मैं हम यही कहूँगी कि आज मेरा पहला विजिट यहाँ पुंछ का है और यहाँ पर वोट करने से पीछे बिल्कुल ना हटें और मैं यही कहूँगी वोट करें अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए, कैसे हम मिलजुल कर साथ में रहकर एक संस्कृति में रहकर हम काम कर सकते हैं, हम रह सकते हैं और हम देश के विकास के लिए अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। ये